मेरा ग्रेड 7 का बॉल्डनेस था और मेरा डोनर एरिया उतना ठीक नहीं था, सब कुछ बहुत ही इजली हो गया। मैं खुद के रिजल्ट को मैं उतना तो जज नहीं कर पाता, पर मेरे फ्रेंड्स फैमिली ये देखते हैं तो वो बोलते हैं नहीं काफ़ी अच्छा रिजल्ट है, पहले के जैसा सब कुछ है, तो आई फील वेरी कॉन्फिडेंट। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ रत्नाकर गुप्ता, और जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने हेयर ट्रांसप्लांट कराया था, तो मेरा ग्रेड 7 का बॉल्डनेस था। तो मैंने पहला सेशन मेरा जनवरी 2021 में हुआ था और मेरा डोनर एरिया उतना ठीक नहीं था, फिर भी यहाँ पे क्लिनिक स्टाफ मतलब काफ़ी अच्छे हैं, उन्होंने काफ़ी अच्छे से ट्रांसप्लांट किया। और थोड़ा हेजिटेशन था कि हो सकता है कि कोई स्कार रह जाए या पेन हो या कोई साइड इफ़ेक्ट हो, बट देर इज़ नॉट साइड इफ़ेक्ट। और फिर मैंने सेकेंड सेशन जुलाई 21 में लिया क्राउन एरिया का, तो मुझे मतलब मैं अपने रिजल्ट से तो काफ़ी खुश हूँ। ओटी में पहले थोड़ा डर तो था, पर डॉक्टर सर ने और नीलेश सर ने और स्टाफ ने काफ़ी मतलब सपोर्ट किया, इनक्रेज किया, और यहाँ पे मतलब ऐसा कुछ था नहीं कि थोड़ा इस पेन हो, ऐसा कुछ पेन वेन का भी कोई इशू था नहीं, तो सब कुछ बहुत ही ईजली हो गया। और थोड़ा बहुत प्रिकॉशन लेना था, बाकी एवरीथिंग वॉज वेरी गुड। मेरा रिज़ल्ट वाकई मतलब मैं खुद के रिज़ल्ट को मैं उतना तो जज नहीं कर पाता, पर मेरे फ्रेंड्स फैमिली ये देखते हैं तो वो बोलते हैं नहीं काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट है, पहले के जैसा सब कुछ है, तो आई फील वेरी कॉन्फिडेंट। जो भी देखता है किसी को ये तो पता ही नहीं चलता कि ये ट्रांसप्लांटेड हेयर्स है, तो मैं यही बोलूँगा कि जिस किसी को भी अगर हेयर ट्रांसप्लांट कराना है तो वो जल्दी से न्यू रूट्स को विज़िट करें।